तो मेरे भाई आज की इस एडिटिंग वीडियो में मैं आप लोगों को जो कि कुछ इस तरीके से फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा मेरे भाई, जो कि वन क्लिक में आप लोग कर सकते हो दोस्तों। और जो कि इसका रियल पिक भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो, कुछ इस तरीके से है मेरे भाई। और जो कि आप लोग किसी भी फोटो का जो कि बैकग्राउंड और जो अपना मॉडल का सेट है दोस्तों, उसको एक क्लिक में चेंज कर सकते हो। तो कैसे चेंज करना है और सही तरीका क्या है, वो सारा चीज़ मैं बताऊँगा दोस्तों, जो कि काफ़ी आसान और बहुत ही कम टाइम पे। तो मैं यहाँ आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा मेरे भाई, चलते हैं सीधा हम लोग अपना एडिटिंग की ओर। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोगों को अपना फोटो रूम है जिसको ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद अब यहाँ हम लोगों को सो रहा है, देख सकते हो भाई, यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम फोटो, इस पर क्लिक कर लेना है। और जो कि मैंने अपना एक फ़ोटो है उसको ले ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आप भी जो भी अपना पिको एडिटिंग करने वाले हो उसको ले लेना है। फाइनली उसके बाद हम लोगों को कुछ इस तरीके से स्कैनिंग करके, जो कि दोस्तों हम लोगों का बैकग्राउंड इरेज हो जाएगा। तो बैकग्राउंड इरेज मैं क्यों कर रहा हूँ वो आप लोगों को आगे पता चलेगा भाई, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तब। तो कुछ इस तरीके से कटआउट हो जाने के बाद अब हम लोगों को अपना ये वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक कर लेने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को क्या करना है, जो कि अपना यहाँ देख सकते हो पीछे के एरिया जो कि कट चुका है, इसको हम लोगों को रिकवर करना है। इसके लिए क्या करेंगे, अब जो हमारा मॉडल है दोस्तों, इस पर हम लोग फाइनली एक बार यहाँ क्लिक कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ हम लोगों को शो हो जाएगा, देख सकते हो, एडिट कटआउट, इस पर हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक कर लेने के बाद भाई यहाँ आप लोगों को ये वाला ऑप्शन शो हो जाएगा, इस पर क्लिक करना है। और जो भी पार्ट्स को आप लोगों को वापस चाहिए वहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है भाई। और उसके बाद जो कि आप लोगों का यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी आसान तरीका बता रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को ज़रूर से लास्ट तक देखना। और यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से हम लोग का रिकवर हो चुका। और फाइनली उसके बाद यहाँ से हम लोग कर लेंगे डन। डन कर लेने के बाद दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो कि अपने यहाँ शेयर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से कर लेना है हम लोग को फाइनली सेव। सेव कर लेने के बाद अब मेरे दोस्तों यहाँ हम लोग अपना जो कि बाकी का एडिटिंग है वो करेंगे पिक्सआर्ट के अंदर। तो भाई हम लोग यहाँ अपना कोई भी एक बैकग्राउंड ले लेना है, ठीक है मेरे भाई। जैसे कि मैं अपना ये वाला बैकग्राउंड ले ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को यही वाला बैकग्राउंड लेने के लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से कोई भी बैकग्राउंड ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैं अपना ये वाला पिक्सआर्ट के अंदर बैकग्राउंड ले चुका हूँ, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और जाएंगे दोस्तों हम लोग अपने फाइनली देख सकते हो ऐड फोटो पे। और जो हम लोगों ने कटआउट बनाया है भाई उसको करेंगे यहाँ पे ऐड। ऐड कर लेने के बाद यहाँ अब हम लोगों को इसका साइज़ को सेम पोजीशन पे कुछ इस तरीके से बिठा लेना है भाई। और यहाँ से हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिठा लेंगे। बिठा लेने के बाद अब हम लोगों के यहाँ से क्या करना है, राइट कर लेना है। राइट कर लेने के बाद दोस्तों अब हम लोगों के यहाँ पे करना है जो कि अपना डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके फाइनली फ़ोटो को सेव। सेव कर लेने के बाद दोस्तों अब आगे क्या करना है वो आप लोग देख लो, ठीक है मेरे भाई। तो भाई एक और एप्लीकेशन का आवश्यकता पड़ेगा, जो कि ऐप का नाम है फोटो लैब, यहाँ देख सकते हो। तो इसको हम लोगों को ओपन कर लेना है। अगर आपके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है मेरे भाई, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके भाई का टेलीग्राम का लिंक है, जाके आप लोग डाउनलोड कर लेना बिना वाटर मार्क के, आप लोग जो कि इसका यूज़ कर सकते हो फ्री में। तो फाइनली फोटो लैब को ओपन करेंगे और जाएंगे दोस्तों हम लोग अपना एडिट फोटो पे। एडिट फोटो पे क्लिक कर लेने के बाद अभी जो हम लोगों ने फोटो सेव किया उस पिक को ले लेंगे भाई। ले लेने के बाद यहाँ आप लोगों को शो हो जाएगा, देख सकते हो नीचे पे AI फिल्टर, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ से आप लोगों को ये वाला जो कि इस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आप लोगों का जो कि फ़ोटो हो जाएगा वन क्लिक में जो कि एडिट मेरे भाई, जो कि एकदम ही बवाल तरीके से जो कि देख सकते हो। बट यहाँ आप लोगों का फेस हल्का सा चेंज हो जाता है, तो इसको आप लोग सही कैसे कर सकते हो, यहाँ से आप लोग एक नंबर चूज़ करके दोस्तों अपना जो कि यहाँ पर फेस को रिकवर कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसान तरीके से। तो यहाँ आप लोगों को 5 टाइप के यहाँ पे देखने के लिए मेरे का भाई देख सकते हो, ये हम लोगों का फर्स्ट है। अरे हम लोगों का सेकंड वाला मैं आप लोगों को जो कि करके यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कुछ इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से दोस्तों अपना जो कि फ़ोटो है उसको एडिटिंग कर सकते हो, ठीक है। बट यहाँ आप लोगों का फेस चेंज हो जाएगा भाई, तो उसको आप लोग रिकवर कैसे कर सकते हो वो भी बताऊँगा, आप लोग टेंशन मत लो भाई। वीडियो को प्लीज़ आप लोग लास्ट तक देखते हो, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि ये वाला हम लोगों को अपना बेस्ट लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ सेव कर लेते हैं। बट यहाँ आप लोगों को और ढेर सारे इफेक्ट दिए हुए हैं जो कि देख सकते हो, आप लोगों को इनमें से भी और किसी में भी एडिटिंग करना है तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप लोग दोस्तों बहुत सारा फिल्टर दिया हुआ है, इधर लास्ट की तरफ भी दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से किसी में भी एडिटिंग करना चाहते हो तो काफ़ी आसान तरीके से आप लोगों का जो कि भाई एडिटिंग हो जाएगा, जो कि यहाँ देख सकते हो, ठीक है।
मैं अपने यहाँ फर्स्ट पेज जो कि क्लिक करके देख लेता हूँ। तो आप लोगों को भी दोस्तों कुछ इस तरीके से अपना फ़ोटो है उसको वन क्लिक में एडिटिंग करना है मेरे भाई, जो कि काफ़ी आसान तरीका है यार फ़ोटो एडिटिंग करने का, जो कि इस तरीके से आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है। बट यहाँ मैं देख सकते हो मैं अपना फोर्थ नंबर का रख रहा हूँ दोस्तों, और बट यहाँ हम लोग का फेस चेंज हो जा रहा है। तो इसको सही कैसे करना है वो बताता हूँ। पहले तो हम लोग यहाँ से कर लेंगे राइट, ठीक है मेरे भाई। राइट कर लेने के बाद अब इस क्या करेंगे, इस फोटो को हम लोगों को यहाँ से कर लेना है फाइनली जो कि सेव। अब जो कि दोस्तों फेस को ऐड करने के लिए हम लोग जाएंगे अपना पिक्सआर्ट के अंदर। तो यहाँ पिक्सआर्ट हम लोग ओपन करेंगे और जो एडिट किया है उसको हम लोग यहाँ से कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ बैकग्राउंड को रहने देना है मेरे भाई, और उसके बाद यहाँ हम लोग को जाना है अपना ऐड फोटो पे। और जो कि दोस्तों अभी हम लोगों ने फोटो लेप से अपना फोटो सेव किया है उसको ले लेंगे। ले लेने के बाद यहाँ सेम साइज पे कुछ इस तरीके से बिठा लेंगे। बिठा लेने के बाद भाई यहाँ हम लोगों को बाहर की तरफ एक बार टैप करना है, और उसके बाद जाना है फिर से हम लोगों को अपना यहाँ ऐड फोटो पे, ठीक है भाई। और जो हम लोगों ने अभी कटआउट बनाया हुआ था पहले, उसको यहाँ से अप करेंगे ऐड, और इसको भी हम लोग यहाँ सेम पोजीशन पे कुछ इस तरीके से बिठा लेंगे भाई, और कुछ इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, हो चुका। और उसके बाद यहाँ आप लोग शर्ट को रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं तो आप लोगों को करना क्या, जो कि यहाँ पर आप लोगों को इरेजर से हो जाएगा, देख सकते हो। इरेजर पर क्लिक करना है, और यहाँ आप लोगों को नीचे पर एक ऑप्शन होगा इन्वर्ट का, यहाँ देख सकते हो, इस पर क्लिक कर लेना है। और उसके बाद भाई यहाँ आप लोगों को जो कि फेस को यहाँ कुछ इस तरीके से रिकवर कर लेना है। तो हमें रिस्टोर पे जाके यहाँ हार्डनेस को थोड़ा सा इंक्रीज करके कुछ इस तरीके से जो हमारा मॉडल का फेस है ना दोस्तों, उसको यहाँ से रिकवर कर लूँगा, जो कि फ़ोटो को कुछ इस तरीके से हम लोगों बनाए हैं बोल के, जो कि काफ़ी आसान और बेस्ट तरीका है मेरे भाई। यहाँ देख सकते हो कितना आसान तरीके से हम लोग का जो कि फ़ोटो एडिटिंग उसके बाद यहाँ बन चुका मेरे भाई। तो आप लोगों को भी कुछ इस ट्रिक का यूज़ करके दोस्तों अपना फोटो को जो कि एडिटिंग करना है मेरे भाई। तो वीडियो ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक ज़रूर से कर देना मेरे भाई, और जो कि प्लीज़ सपोर्ट करना। अगर आप ही लोग सपोर्ट नहीं करोगे यार तो भाई कैसे होगा, ठीक है। तो मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशनल बढ़ेगा भाई जब आप लोग सपोर्ट करोगे। तो यहाँ फाइनली देख सकते हो कितना आसान तरीके से हम लोगों का रियल फेस के साथ अपना फोटो एडिटिंग जो कि कंप्लीट हो चुका भाई। और यहाँ से कर लेंगे हम लोग फाइनली राइट, और उसके बाद यहाँ आप लोगों को इसको लेके जाना है लाइटरूम के अंदर, थोड़ा सा कर लेना है इसका कलर रिटचिंग। मिलते हैं भाई ऐसे ही एक और नए वीडियो के साथ।